नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीजे नी और आपका स्वागत है व्लॉग्स बाय न्यू चैनल पे। मैं बहुत महीने हो गए अभी मैं आया नहीं था अपना चैनल पे, बिकॉज थोड़ा बिजी था और थोड़ा घर शिफ्ट कर रहा था, तो उसके कारण थोड़ा मैं काम से भी मशरूफ़ हो गया था। तो हाँ दोस्तों, आज मैं एक्चुअली सोचा कि यार मैं अभी नया घर पे हूँ और उसके बाद काम के लिए जा रहा हूँ, अभी मैं ड्राइव कर रहा था, तो मैं सोचा यार चलो आप लोगों के लिए मैं एक छोटा सा एक वीडियो बना दूँ इंट्रोडक्शन के लिए क्योंकि इतने दिनों के बाद आ रहा हूँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ और मैंने इधर लगाया हुआ है, तो आप ऐसे काम ना कीजिए, अपने आप को कॉन्सनट्रेट मत कीजिए, ड्राइविंग पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे मैंने फ़ोन को तो इधर अलग रखा हुआ। तो हाँ दोस्तों, मैं ये बोल रहा था कि सॉरी मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा आ नहीं पाया उस टाइम पे, मुझे लगता है शायद तीन या दो महीना या ढाई महीना कुछ हो चुका है कि मैं आ नहीं पाया, लेकिन आपसे मैं यही कोशिश करूँगा ज़रूर। मैं अभी घर पे मैंने सेटअप किया हुआ थोड़ा बहुत छोटा मोटा, मेरे लैपटॉप ही काफ़ी है एक्चुअली, बस माइक लेके आने का मेरे को और मेरे स्ट्रीम डेक है एक, तो वो लेके आने का, उसके बाद मैं तैयार हूँ आप लोगों को वीडियोज़ ट्यूटोरियल्स बनाने के लिए। अभी मुझे मालूम नहीं है क्वालिटी कैसे, मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो होपफुली बस ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है, जैसे आप लोगों से मिला नहीं मैं, ये लाइव नहीं है, तो मेरे को बाद में जाके एडिटिंग करना ही पड़ेगा। तो हाँ दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस की तरफ, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ हमारे जो ऑफिस की तरफ जो जाने का जो ड्राइव है, और देखिए। जैसे मैंने बताया दोस्तों, मैं एक्चुअली अभी रहता हूँ इधर दुबई में अल नहदा वन पे, और ये जो रास्ता है अभी जा रहा है करामा की तरफ, तो मैं एक्चुअली टोल गेट से ही क्रॉस करता हूँ, नहीं तो लेट हो जाता हूँ। अभी वैसे आज थोड़ा लेट हो गया काम पे, कल रात को ज़्यादा काम भी नहीं था, लेकिन फिर भी कल थोड़ा लेट सोया, मैं थोड़ा रिलैक्स हो रहा था, तो ये रास्ता है हमारे दुबई के जो रोड्स हैं। तो हाँ दोस्तों, जो ऐसे मैंने बताया आपको, अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है कुछ भी, आप मुझे मैं सरप्राइज़ हो गया था एक्चुअली यार, मैं छोड़ के गया था 2500 सब्सक्राइबर्स पे, और मैं कल ऐसे ही यूट्यूब पे आके देखा, तो देखा यार 3700 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो चुका मेरा, मतलब 1200 सब्सक्राइबर बिना कोई वीडियो बनाए, आप लोगों का प्यार ही मुझे यहाँ तक पहुँचा रहा है। अभी मैं क्या बताऊँ, मैं खुद शर्मिंदा हो गया यार, इतने सारे सब्सक्राइबर्स आ गए, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मैं कल और पिछले हफ्ते बैठ के कुछ क्वेश्चंस जो थे मैंने उनको क्लैरिफाई कर दिया बहुत लोगों को, और उनको मैं चैट पे बहुत बात कर रहा हूँ, यूट्यूब के जो आपने देखा होगा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, तो उसमें मैं रिप्लाई कर रहा हूँ मैक्सिमम जब भी मुझे टाइम मिल रहा है। थोड़ा स्ट्रेस भी चल रहा है आजकल काम पे, थोड़ा फाइनेंशियली भी अभी थोड़ा हालत ख़राब है, मुझे लग रहा है पूरा दुनिया में ऐसे चल रहा है, दुबई में तो स्पेशली अभी रियल एस्टेट भी बहुत नीचे आ चुका है, प्राइसिंग के हिसाब से भी काम भी बहुत कम आ रहा है अभी, होपफुली सब ठीक हो जाए, यही हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। जब इकोनॉमी जब नीचे जाता है एक कंट्री का या कोई देश का, जिस उसके हिसाब से हम लोग को भी सपोर्ट करना पड़ता है कैसे भी कि यार उनके साथ रहे और उनके साथ चले और उसको सपोर्ट करें, क्योंकि जब एक देश जब आगे बढ़ता है हमारे थ्रू ही आगे बढ़ता है, नहीं तो नहीं। तो हाँ आप देखिए, यह है शेख जायद रोड, अभी मैं आपको लेके शेख जायद रोड नहीं, हमारे जो है जबल अली दुबई अबू धाबी रोड। इधर अभी भी दुबई में जो गर्मी है थोड़ा कम हो चुका है, अभी 38 डिग्रीज दिखा रहा है कार के जो थर्मामीटर पे, गूगल में पता नहीं 32 दिखाता, गूगल कभी भी बराबर नहीं दिखाता, तो अभी आप देख सकते हो। मतलब ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा ही है अभी, मुझे शायद ये वीडियो पता नहीं अभी तो दिख नहीं रहा बराबर, बाद में जाके शायद एडिटिंग करूँगा तो थोड़ा मुझे लाइट करना पड़ेगा शेड्स। ये देखिए आप, कीप इन लेन जबल अली अबू धाबी, वो रास्ते से हम लोग जाते हैं, फिर मैं गरहूद ब्रिज पकड़ के फिर एक और टॉल, सो दो टॉल गेट मुझे क्रॉस करना पड़ता है, जिसमें एक टॉल गेट में जो है 4 दिरहम लगता है, तो 4 और 4 8 जाने का और आने का वापस 8 दिरहम, तो
16 दिरहम तो मेरा डेली कम्यूटिंग पे हो गया, तो एक दिरहम जो है दोस्तों शायद 18 रुपए या 19 रुपए अभी इंडिया का, तो लगा लीजिए आप 38 70 रुपए तक, तो 70-80 रुपए तक तो हो गया यार एक दिन का सिर्फ टोल क्रॉस करने के लिए। ये 100 किलोमीटर का स्पीड वाला रोड है, देखिए रडार लगा हुआ था लेफ्ट साइड में आपने जो देखा एक खंभा जैसा, और ये सब लेजर रडार है, ये फ्लैश बहुत ही कम मारते हैं, तो हम लोग अपने हिसाब से अगर नहीं चलाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा, इधर ब्लैक पॉइंट्स भी मिलता है, तो लास्ट में जब ब्लैक पॉइंट ज़्यादा हो जाते हैं बाद में गाड़ी कन्फ्यूस्केट कर लेते, नहीं तो लाइसेंस कन्फ्यूस्केट कर लेते एक महीने के लिए, वो आपका एक पनिशमेंट हो गया फाइंस के अलावा, तो आप सोच सकते हो कि कितना स्ट्रिक्ट है दुबई। ये देखिए 100 मैक्सिमम स्पीड जो है 100 दिखा रहा है और मिनिमम जो है 60 से नीचे भी जाएगा तो भी फाइन है आपको, तो ये रोड पे 60 और 100 के बीच में रखने का। यूए का स्कूल बस सब ये कलर में होता है, ये गवर्नमेंट के एक नया ये था कि ब्राइट कलर जो है थोड़ा और उनको आउट थोड़ा और दिखने में ये होता है, तो सब स्कूल बस इधर अभी येलो कलर में होता है, पहले अलग अलग कलर के थे लेकिन अभी सब येलो कलर के स्कूल बस है। विजुअली भी बहुत इजी दिखता है कि हाँ स्कूल बस है, तो हम लोग जब गाड़ी चलाते हो तेज चलाते होते तो थोड़ा बच्चे लोग को थोड़ा ध्यान दे के चलाना पड़ता है, दैट्स द रीजन दे हैव डन दैट, और अगर एक्सीडेंट भी हो गया कुछ भी हो गया तो उसके हिसाब से टू फाइंड अ बस, आई मीन इधर तो वैसे ही हर अब हमेशा देखो ऊपर हेलीकॉप्टर चलता रहता है, तो उसमें से ढूंढने में भी आसान रहता है येलो कलर। मेरा जो घर से स्टूडियो पे जो रास्ता है ऑलमोस्ट 15 मिनट्स का रास्ता है, 15-20 मिनट में अगर ट्रैफिक नहीं हो तो पहुंच जाता हूँ, ट्रैफिक होगा तो फिर कभी कभी 1-1.5 घंटा भी लग जाता है डिपेंड्स, लेकिन सिर्फ 15 मिनट का रास्ता। ये अभी हम लोग घुसने वाले हैं जो है शेख राशिद स्ट्रीट, उसके बाद आएगा करामा। करामा बहुत ही पुराना शहर है जो दुबई के अंदर है, सबसे ज़्यादा आप इंडियंस पाकिस्तानीज बंगालीज फिलिपिनोज आपको मिलेंगे इस शहर पे। अभी भी बहुत ही ज़्यादा चहल महल पहल सब होने वाले एक शहर है अल करामा, सामान भी बहुत सस्ता मिलता है, लेकिन प्रॉपर्टी अभी भी इधर इसका जो रेट है अभी भी नॉर्मल जो दुबई में जैसे नादा में, करामा में थोड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि हर चीज़ साम आपके जो घर के पास है सब कुछ मिल जाता है, हार्डवेयर से लेके ग्रॉसरी हॉस्पिटल क्लिनिक्स सैलून्स सब कुछ, तो इसलिए थोड़ा इधर का जो प्रॉपर्टी का रेट जो है थोड़ा ज़्यादा है करामा में। ये देखिए हम अभी करामा स्ट्रीट पर हैं, ये सिग्नल आप देखिए ग्रीन कलर जो बोर्ड है अल करामा स्ट्रीट। और हम अभी अंदर जा रहे हैं करामा, ये राइट में जो दिख रहा है आपको पूरा करामा एरिया है, तो अभी हम राइट लेंगे। ये लीजिए पहुंच गया करामा, तो अभी हम है करामा के अंदर। ये आपके जो राइट साइड में दिख रहे पूरा शेख कॉलोनी था, अभी भी इसका जो रेंट है मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग हैं जो 20-25 साल से जो जी रहे इसके अंदर, बहुत ही पुराना बिल्डिंग है बहुत ही स्पेशियस बिल्डिंग है, और जो इधर है अभी तक वो लोग नहीं छोड़ रहे है बिकॉज उनका जो रेंट है अभी तक बढ़ा नहीं है, क्योंकि ये शेख का जो शेख हमदान जो है उनका नाम पर है ये कॉलोनी,
बहुत सारे लोग तो छोड़ के चले गए, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है बहुत ही वेटरन्स जो है इधर है अभी भी। तो कोई ये जो 15,000-20,000 जो रेंट है अभी भी वही चल रहा है इसमें, बल्कि हम लोग दे रहे हैं 60-70,000 साल का। इधर हमेशा पेडेस्ट्रियंस को हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो इसलिए देखिए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग बहुत है। अगर पेडेस्ट्रियन भी ये पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के अलावा बीच में से जे वॉकिंग किया तो उनको भी 420 दिरहम फाइन है इधर, और उनका आईडी कार्ड लिया जाता है, एमिरेट्स आईडी जो बताया जाता है हमारा आधार कार्ड जैसा, और उसके बाद उनको पहले फाइन भरने के बाद फिर अपना आईडी कलेक्ट करना पड़ता है, वो भी पुलिस स्टेशन से। तो ये सब देखिए आप, बहुत ही स्ट्रिक्ट है इधर रूल्स। अभी ये हम पहुंच रहे हैं हमारे जो जगह पे है, गर्मी बहुत है तो अभी पार्किंग बाहर ही करना पड़ता है, और पार्किंग का इधर जो है एक घंटे का, जैसे ए बी सी डी एरिया है, डी एरिया में मैं पार्किंग करता हूँ, इधर एक घंटे का 2 दिरहम है, अगर ए का एरिया होता है कभी कभी 4 दिरहम या 3 दिरहम डिपेंडिंग ऑन दी एरिया, उसके हिसाब से होता है। ये सबसे बड़ा पार्किंग एरिया है करामा में, जो हम लोग मस्जिद के पीछे नहीं तो लुलू सुपर मार्केट के पीछे बोलते हैं। तो मुझे ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे थोड़ा छाव हो और उसके हिसाब से हम लोग पार्किंग करेंगे। सब छाव वाला जगह पब्लिक ने ले लिया है, तो अभी नज़दीक वाले जगह पे कहीं पे पार्किंग करना पड़ेगा। तो अभी हाँ पार्किंग ढूंढ रहा हूँ मैं, छाँव कहीं पे भी नहीं दिख रहा मुझे। ये आगे वाला पूरा छाँव वाला सब फुल है। इधर जो लाइसेंस जब एक बंदे के पास होता है इसका मतलब है कि यार वो ग्रेजुएट हो गया, मतलब फ्रीडम बस लाइसेंस पे ही है इधर। तो लाइसेंस के लिए हमेशा पब्लिक सबसे पहले जब इमारात में आता है तो सबसे पहले लाइसेंस लेने का कोशिश करता है। मेरा जो लाइसेंस था 2001 से मुझे मिला है लाइसेंस, फिर उसके बाद मैं 8 साल अभी पहले मैंने गाड़ी नहीं चलाया था, इसलिए मैंने लाइसेंस रिन्यू नहीं किया, ज़रूरत नहीं पड़ता था, हमेशा स्टूडियो के अंदर ही पड़ा रहता था। तो इसलिए अभी मैंने सोचा यार फैमिली आ चुका है तो मैंने रिन्यू कर लिया लाइसेंस को वापस। अभी मैं रेंट ए कार चला रहा हूँ, मेरा अपना गाड़ी नहीं है फिलहाल, अभी रेंट ए कार में ही गुजारेंगे हम कुछ दिनों तक। देखिए इतना टाइम हो गया, पार्किंग तो बहुत है लेकिन मैं यार ढूंढ रहा हूँ कि छाव मिल जाए मुझे कहीं, लेकिन मिल नहीं रही। चलो छोड़ो अभी यार, अभी जो नज़दीक है उधर जाके पार्क करके चलते हैं काम पे। अभी स्टूडियो में एक रिकॉर्डिंग चल रहा है ऑलरेडी, हमारे एक स्टाफ है दीक्षित वो कर रहा है। चलो इधर ही पार्क कर लेते हैं। तो अभी मैं गाड़ी पार्क कर रहा हूँ, तो हाँ दोस्तों ये था एक नॉर्मल स्टोरी। तो मैं इसलिए आपको बता रहा था कि यार मैं अभी टाइम नहीं मिला था, इसलिए मैं कुछ वीडियोस बनाए नहीं हूँ लाइव करने के लिए भी, और थोड़ा बहुत सेटिंग्स भी हम लोगों ने चेंज कर दिया। तो अभी मैं कोशिश करूँगा ज़रूर कि हाँ और ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ, और मैं सोच रहा था नॉर्मल व्लॉग्स भी अपना जो लाइफ स्टाइल है उसके बारे में भी शुरू करूँ मैं। तो आप लोगों को भी मैं थोड़ा दुबई वुबई दिखा देता हूँ, और अगर आप आए तो आप लोग के लिए आसान रहेगा शॉपिंग के लिए और जगह ढूंढने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, अभी जाना पड़ेगा काम पे, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।